शॉपकीपर। हाँ जी पापा जी। भैया क्या चल रहा है? कुछ नहीं पापा जी, बस धंधा मंदा चल रहा है और कोरोना फल फूल रहा है। अच्छा बेटा। और पापा जी आज क्या लोगे? अरे बेटा जेब में पैसे नहीं है, आज तो कुछ नहीं लेंगे। कोई बात नहीं पापा जी, हम आपके खाते में लिख लेंगे। अरे भैया खाते में? कौन सी बैंक में खाता है आपका? अभी तो अम्मा और बाबा की बैंक में खाता है। अरे भैया अम्मा की बैंक में खाता है तो फिर अम्मा रुपए के 10 रुपए ही वसूलेंगी ना भैया? ना मैं नहीं लेने का उधार। पापा आप ले लो ना सामान, अम्मा से तो हम कह देंगे अम्मा 1 रुपए के 5 रुपए वसूलेंगी, बस 10 रुपए नहीं। अच्छा बेटा। कीपर शॉपकीपर। हाँ जी पापा जी। बेटा आज मम्मी ने कुछ दिया नहीं है। तो लो पापा जी आप डेरी मिल्क खा लो, कुछ मीठा हो जाए। अच्छा बेटा। शॉपकीपर। हाँ जी पापा जी। आज आप स्कूल क्यों नहीं गए? पापा जी बताया था ना कोरोना चल रहा है। अरे तो कोरोना चल रहा है तो अब ऑनलाइन क्लास ले लेते। पापा नेट खत्म हो गया था फोन का, इसलिए मैं ले नहीं पाया क्लास। अरे बेटा फिलवाना गंदी बात। पापा बहाना नहीं, सच्ची में खत्म हो गया था नेट। तो आप मम्मी के मोबाइल से नेट यूज कर लेते। पापा टीचर ने बोला है कि है ना न्यू फोन में अच्छे से नेटवर्क आता है, अच्छे से क्लास ले पाओगे, इसीलिए न्यू फोन दिलवा दो ना पापा। अरे नहीं 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 बेटा मुझे नहीं दिलवाना, मेरे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। ये क्या तो बात है पापा जी, आप मेरी पॉकेट मनी से दिलवा दो मुझे मेरे को न्यू फोन। अच्छा बेटा कितने पैसे हैं आपके पास? पापा लीजिए 20 रुपीज है। अरे भैया 20 रुपीज में तो मोबाइल का कवर भी नहीं आता है। पापा मेरे पास देखती हूँ थोड़े बहुत पैसे और हो तो। बेटा देखो इधर उधर कितने पैसे हैं आपके पास? पापा ये लो 500 रुपीज और है मेरे पास। अच्छा वो जो 500 रुपीज है आपके पास, ये गुल्लक भी तो दिख रही है। पापा इस गुल्लक में कुछ भी नहीं है। अरे भैया ये तो आप 500 रुपए लेके आप फिर से रख रहे हो गुल्लक में। पापा जी आप ही दिलवा दो ना फोन। नहीं पापा एक फोन दिलवा दो ना न्यू। बेटा नहीं बच्चे फोन नहीं यूज करते। फिर पापा मैं क्लास कैसे लूं? अच्छा आज तो आप क्लास लोगे, कल को गेम खेलोगे। पापा तो बच्चे गेम नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा फिर? अच्छा अच्छा एक काम करूं, मैं ये चोको पाई खा लूंगा है, और मुझे ये डेरी मिल्क भी दे दे है भैया, और एक है ना ये मुझे तू चाउमीन भी दे दे है, और क्या है, और पार्ले जी भी दे दे है, तो मैं फोन दिलवा दूंगा। हाँ ठीक है पापा जी आप ये सब चीज रख लो, आप मुझे एक न्यू फोन दिलवा दो ना, मैं उसमें क्लास भी लूंगी और कभी कभी गेम भी खेला करूंगी, कभी कभी दादू दादी से भी बात करा करूंगी, और थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो नाना नानू से भी बात कर लिया करूंगा। है मैं छक्षे मित्रोदला बात कर लिया करूंगा, और मेरी दोनों सिस्टर हैं मैं उनसे भी कभी वीडियो कॉल कर लिया करूंगा। अरे भैया छक्षे बात कर लेगा फिर पापा के से बात कब करोगे? नहीं पापा मैं आपके पास तो हूँ ना, उनके पास हूँ नहीं ना इसलिए। अच्छा भैया कोई बात नहीं मैं फोन दिलवा दूंगा, पर एक कंडीशन है, मुझे तो ये चोको पाई खानी है। ठीक है पापा आधी आप खा लो आधी मैं खा लेती हूँ। नहीं मैं तो यही खा लूंगा, मुझे चोको पाई खिला दे। देखो मम्मी पापा मेरी चोको पाई खा रहे हैं। नहीं 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 मैं नहीं खा रहा। तो पापा फोन दिलवा दो ना, वरना मम्मी से कह दूंगी कि पापा मेरी चोको पाई खा रहे हैं। पिता ये तो बड़ी नाइंसाफी है, पापा का फोन पापा की चोको पाई, धमकी भी मिली जा रही है तो किन छे मम्मी छे। पापा सब इंसान का दिन आता है, आज मेरा है
तो मैं क्यों ना वसूलू। अच्छा बिजनेसमैन, इसी को बोलते हैं बिजनेस वूमैन। ओके बिजनेस वूमैन पार्ट टू। गुड़िया हूँ, आप ना मैं आपको मेरा पहला वाला वीडियो इतना पसंद आया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। सबने कमेंट किया, सबने उसको लाइक किया, इतने सारे व्यूज़ आए 2 दिन के अंदर, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये दूसरी वीडियो भी बनाई है। आप प्लीज़ इसको भी देखें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।